मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का एक वीडियो शुरू करते हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैं इसके सिनारियोस भी गिनवा देता हूँ किन किन फील्ड में ये काम आ सकता है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप जो है जॉब के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, या मान लीजिए आप जो है कोई ऐसा कोई आपका फ़ोटो है या आपका एक कह सकते हैं सिग्नेचर है। और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, जैसे कि आप पैन कार्ड में जब फ़ोटो अपलोड करते हैं, या आप जब ड्राइविंग लाइसेंस में और जिन भी चीज़ों में आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है वो आती है दोस्तों फ़ोटो के साइज़ को चेंज करके उसे जो है उस हाइट और विड्थ में, हम कह सकते हैं उस पिक्सल लेंथ में कन्वर्ट करना जिसमें सामने वाला यूज़र मांगता है। आपने देखा होगा हर फील्ड में, चाहे आपको कोई भी जगह पर फ़ोटो अपलोड करना हो, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो या कोई भी फ़ोटो हो, उसमें जो हाइट और विड्थ दिए जाते हैं, जो पिक्सल की लेंथ दी जाती है, वो हमेशा अजीबोगरीब होती है और वो कन्वर्ट करते बनता नहीं है। तो दोस्तों एक ऐसा ही बहुत अच्छा एप्लीकेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हम आपको उसमें ये डेमो भी दिखाएंगे और पहले हम प्ले स्टोर पर चलकर आपको उस एप्लीकेशन का नाम बता देते हैं। उसका नाम है इमेज रिसाइज। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, आप जैसे ही लिखेंगे ये जो सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है कोडेनिया फोटोग्राफी, ये आप देख सकते हैं इमेज साइज फ़ोटो रिसाइजर। जो ये जो है हमारे में दोस्तों इंस्टॉल है और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत कम इसका जो है साइज़ है। इसे आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमारे में इंस्टॉल है, तो हम यहाँ चलकर जो है आपको इस पर आप बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ओपन हो गया है और इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आपको गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, उसी के पास में आपको कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, आप डायरेक्ट कैमरे से भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर्स अगर चेंज करने हैं तो वो दिख रहे हैं आपको। इसी के बाद फोटो एडिटर सेटिंग्स दिख रहा है और इस एप्लीकेशन के सेटिंग्स का ऑप्शन है नीचे। दोस्तों आप जो तीन ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसमें आपको डाउनलोड, जब आप इसको करेंगे, करने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं किस किस फील्ड में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पिक्सल्स, ये पिक्सल्स में, ये mm, सेंटीमीटर, इंचेस, ये आप इतनी चीज़ों में आप जो है यहाँ पर अपने फ़ोटो को कन्वर्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ गैलरी पर जाना है। जैसे ही आप गैलरी पर जाएंगे, आप गैलरी अलाउ कर देंगे। अलाउ करते से ही जो है यहाँ से हमें एक फ़ोटो लेनी है। मान लीजिए हमने एक फ़ोटो ले ली है और इस फ़ोटो को हमें जो है एक पैन कार्ड के साइज़ में, हम कह सकते हैं, हमें कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, पैन कार्ड में जब साइज़ लिया जाता है तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं विड्थ 213 और हाइट भी हमने लिख दी है 213। ये देखिए दोस्तों 213x213 में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, ये इमेज कितने एमबी की थी, 6.94 MB की थी, जो कि कन्वर्ट होकर मात्र 13.36 KB, 13.36 KB में ये जो आ गई है, इतना ज़्यादा रिड्यूस। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, पिक्चर पे भी जो है बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी क्वालिटी अच्छी ही रहती है। आप इस तरीके से चेंज करके दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप इसको ये जो क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करने के बाद आपको जैसे ही लगता है तो आप यहाँ से देखिए डायरेक्ट बीच में यहाँ शेयर कर पाएंगे, जो भी ऑप्शंस होते हैं शेयर करने के। इसी के साथ आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए, ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। और आप जो प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। देखिए, आप PDF के तौर पर इसको सेव करना चाहते हैं या आपका प्रिंटर मोबाइल से अटैच है, मान लीजिए आप PDF से करना चाहते हैं। इसी के साथ आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आपको पेज का साइज़ क्या रखना था, ये पेज के साइज़, दुनिया भर के सारे साइज इसमें आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इसी के साथ आप ब्लैक एंड वाइट अगर है, कलर अगर है, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। और आप इसको PDF के तौर पर भी इजीली दोस्तों जो है यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आपको कैमरा है, ये आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन देता है। आप मान लीजिए कोई अलग बैकग्राउंड में अगर ये फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं,
ये देखिए ये परफेक्ट आ गया है। इसके बाद आपको जो फोटो एडिटर्स का ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें भी आप फोटो को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ टूल्स दिए गए हैं जिसमें आप फोटो में जो कह सकते हैं कि आप उसके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके के जो इसमें ऑप्शन दिए होते हैं आप उन पर भी काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये फोटो एडिटर ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर फिल्टर दिया हुआ है, ये फ़िल्टर आ गए हैं। आप अलग अलग ये फ़िल्टर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी फ़िल्टर आपको ठीक लगे। आप एक्सपोज़र भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए ये ब्राइटनेस और ये लाइट जो कहते हैं, इसी तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट जो है, और इतने सारे ऑप्शंस आपको इसमें जो है फोटो एडिटर में मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको इसके पास सेटिंग्स दिख रही हैं। सेटिंग्स में आप कुछ अलग अलग ये और काम कर पाएंगे। अगर आप एड्स को रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग के टाइम पे नेट बंद कर दिया था, क्योंकि जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो जो 5 सेकंड के गूगल के एड्स आते हैं वो एड्स नहीं आएंगे, नेट बंद रहेगा। इसीलिए आप कोई भी अगर काम करें तो नेट बंद करके करें, तो आपको जो है कोई भी ऐड और ब्रेक इसमें देखने नहीं मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा दोस्तों आपको तब मिलेगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा कॉस्टली है, 900 के आसपास आपको बाय करने के लिए होता है ये एड्स हटाने के लिए। इससे बेहतर है कि आप इंटरनेट कनेक्शन को बंद रखें और फोटो को गैलरी में सेव कर लें, और जैसे ही आप इसको एडजस्ट कर लेंगे इसके बाद आप इंटरनेट ऑन करके इसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, जिस भी हाइट विड्थ में आप फोटो चाहते थे उस हाइट विड्थ में आपको फोटो मिल गया। इस एप्लीकेशन का नाम है फोटो रिसाइजर, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। इसका यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और भी लोग जो फोटो को कन्वर्ट करने में या फोटो को चेंज करने में या जिनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो भी आसानी से इस वीडियो को देखकर ये सभी काम कर पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।